way possible to improving lives of others and yourself? What does that have to do with it? Azab ne banaya aur Kiran ji ne usko print karke t-shirt pe dala hai. Mobile. सबसे पहला विश किरण जी और आजाद से मिला। जैसे मैं एक्चुअली सोया नहीं, लेकिन मैं बेडरूम में जाके लिखा हुआ था और आजाद आए। सबसे पहला विश करा आजाद ने, विश किया किरण जी और आजाद। और आमिर, आपने आमिर आमिर आई थिंक मेरे लिए दिल में अगर आपके प्रेम हो, सबसे पहले पेंटर्स के लिए मुझे लगता है कि दिल में प्रेम होना बहुत जरूरी है। दिल में प्रेम मोमेंट होता है किसी की जिंदगी में, भी लाइफ चेंजिंग। नहीं नहीं, मैंने ये अफवाह सुनी है लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। एक्चुअली मैंने जब वो कहा था, मेरा मतलब था कि क्योंकि फिल्म पेट्रियोटिक फिल्म है, भारत की बेटियों के ऊपर फिल्म है, 15 अगस्त जैसी डेट उसके लिए आइडियल थी। लेकिन 15 अगस्त हो गया, हम आ रहे हैं क्रिसमस में ही आ रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त तैयार भी नहीं हो सके। हमारी डेट हमेशा से क्रिसमस की डेट रही है। वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, पेट्रियोटिक फिल्म। इस साल क्या प्लान है, कहाँ जाने वाले हैं? मैं एक्चुअली अपनी अम्मी के साथ ही दिन भर मैं फैमिली के साथ ही, और शाम को मैं और जो हमारे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई, मेरे दो बहने, फैमिली के जितने सब अम्मी के यहाँ मिल रहे हैं, और अम्मी के साथ ही रहूँगा आज। आमिर, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करते हैं आप? क्योंकि आप नए साल में आ गए हैं, कोई नया रेजोल्यूशन बनाया आपने लाइफ में? रेजोल्यूशन मेरी कोशिश ये रहती है कि हर साल कुछ नया सीखूं, ये मेरी कोशिश रहती है, कुछ ना कुछ नई चीज मैं सीखूं तो अच्छा रहेगा। लेकिन पहले आपका सवाल मैं थोड़ा और बात करना चाहूँगा। कई काफ़ी वक्त से मैं एक्चुअली इस बारे में सोच रहा हूँ कि अम्मी का बचपन बनारस में भी था, और मैं बीच में गया भी था, घर भी मैंने देखा अम्मी का, और तब से मेरे मन में ये ख्याल था कि मैं अगर ये अगर जो लोग वहाँ रहते हैं इस वक्त उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ पर अम्मी के लिए मैं मुझे बड़ी खुशी होगी, और सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी यही है इस साल के लिए। हमें इस साल के बर्थडे प्लान क्या है आपकी? बहुत ही खूबसूरत जगह है बनारस, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, कल्चरल जगह है, तो वहाँ अगर मेरा घर हो बनारस में, जो अम्मी का घर है, मेरा घर बनारस में हो, तो सबसे बड़ी खुशी मेरी हुई। मुझे क्या लगता है कि जो मेरी अम्मी है, उनकी उम्र अभी 80-82 की हो गई है, और मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है मेरी वो ये है कि मैं अगर अम्मी के लिए जो उनका जो घर है बनारस में, जिसमें वो जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, वो अगर मैं उनको खरीद के ऐसे गिफ्ट में अम्मी को दूँ, वो सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है। और मैं चाहता हूँ कि वो इस उम्र में अपने बचपन में एक दफ़ा फिर वो जा सकें, और मेरी ये सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं ये गिफ्ट उनको अगर मैं दे सकूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे लिए दिल में अगर आपके प्रेम हो, सबसे पहले पेंटर्स के लिए मुझे लगता है कि दिल में प्रेम होना बहुत जरूरी है। नॉट फॉर एवरीबडी, सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेन वेट, बट मोस्टली इट्स इजी टू पुट ऑन वेट। वेट कम करना और शेप में आना, बॉडी फैट परसेंटेज कम करना मुश्किल होता है। Amir, is that the reason you kept on? Is that the reason you were on a vegan diet, so that it becomes easier for you to lose that weight? No, in fact, I went on a vegan diet because I feel that's more healthy. But I must add that I'm not a वजन बढ़ाया, 95 kg तक मैं पहुंच गया। आज मैं तो दंगल में जो मोटापे का जो शूटिंग था वो पूरा हो चुका है, और फिर मैंने वेट कम करना शुरू किया, 95 से कम होकर इस वक्त मैं 82 पे आ गया, 13 kg कम हो, और अब 12 kg बाकी है, तो 50% मतलब आधे मार्क पे आ गया। अभी आप गजनी वाले गजनी लुक चाहिए, मेरा एम है गजनी की लुक, जैसे सुशील कुमार जी की लुक है, बहुत ही मस्कुलर और
लो बॉडी फैट जैसे गजनी में जो मेरी लुक थी, तो उस किस्म का जो उस किस्म की जो बॉडी है वो मेरा फाइनल गेन है। तो इस वक्त मैं आधे रास्ते पर पहुँच चुका हूँ। एक ऑडियंस और जो एक स्टार की उसका होता है वो एक दिन में नहीं बनता। आपकी हर फिल्म से आप एक रिश्ता जोड़ते हैं, बनाते हैं अपने ऑडियंस के साथ। हर फिल्म के साथ वो रिश्ता और गहरा और मजबूत होते जाता है। और आपके काम के जरिए आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अपने काम में चलती है और उसी से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। मेरा जो रिश्ता है मेरी ऑडियंस के साथ वो करीबन 27 साल का रिश्ता है, जिसको मैं बहुत ही वैल्यू करता हूँ। मेरे मन में बहुत प्रेम और इज्जत है इस रिश्ते की। अगर Are you cheating on your vegan diet? No, you know, for the next 3 months, my dietitian has insisted that he wants me to have very high quality protein. So he wants me to have fish. So we had a big argument about that because I said I'm vegan. He said, listen, for 3 months I want, because I need to lose fat and retain muscle mass. I need to retain my muscle mass. Yeah. So for next 3 months, he wants me to eat fish. What for me is being wanting to contribute in any way possible to improving lives of others and yourself. आमिर, लेकिन जुनैद और आयरा और आज़ाद तीनों जो बच्चे हैं हमारे, वो जो भी करना चाहेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। और बट मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपना फैसला करें कि वो क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। In a stipulated time. Yeah. I mean, a lot of people don't lose 25 kilos in like 3 months or 2 months. Not 3 months, it's 6 months. I'm using 6 months. But even that is fast. Yeah, that's fast. So, are your family members concerned again? Yeah, my family. They're happy that I'm starting to lose weight now. And I'm halfway there. But it's a concern to me also. I think all of us need to be concerned because losing weight fast is not very healthy. So, I'm pushing the envelope a little bit. But for my professional reasons, I need to. So I'm like, for the last 3 weeks, I was traveling. I was in the US, and I was there specifically to lose weight and, you know, so I could focus on weight loss. And I was working out roughly in different forms. I was doing 6 to 7 hours of exercise a day. Now that's a lot. That's a lot. And I was doing trekking. I was doing biking. I was doing mountain biking, tennis, swimming, weight training. So different activities throughout the day. It would be roughly 6 hours, 7 hours. I was only sleeping, eating and working out. That's good, that's very good. And I'm looking forward to Sultan. I'm really looking forward to the film. I'm hoping that it's really the one Eid. Eid pe hum log sab Sultan dekhenge, we are all very keen to waiting for the film. Yeah, I think that's really the one Eid. मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना इतनी कानून बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिससे भी कुश्ती आप लड़ते हैं, सामने वाले को आप इंजर नहीं करते, उसको आप मार, वैसे बॉक्सिंग में आप किसको मारते हैं, इसमें आप सामने वाले को डिफीट करते हैं। यू गेट द बेटर ऑफ हिम, यू डोंट फिजिकली इंजर द पर्सन। सो आई डोंट लाइक फिजिकली इंजरिंग समबडी। सो कुश्ती में ये खास बात मुझे अच्छी लगी, इसमें सामने वाले को आप तकलीफ नहीं देते। और इट्स अ स्पोर्ट विच हैज लॉट ऑफ माइंड प्ले, लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, लॉट ऑफ माइंड। यू हैव टू बी अ वेरी शार्प ह्यूमन बीइंग टू बी अ गुड रेसलर। Targeting that kind of a sport in younger market, is it a big because it's coming? No, I don't think so. I think it's a good boy. Teens are never get old. Love stories will always remain fresh. Or for that matter, you know, I mean, teens don't get old. A film has to connect with people or not. That's what I believe. And I think that wrestling is a very ancient sport, not only of mankind but of India as a country. Wrestling is an ancient sport and a very well loved sport. And I think that it's great.
great to have Kapoor's coming this year on wrestling. It will really give a boost to the sport of wrestling. I see. मैंने कहा है आप जैसे हर साल आप लोग मुझे बोलते हैं उनसे कुछ कहो तो मैं ट्राई करता हूँ अभी तक पूरी कोशिश की सर आप विदेश भी जाते रहे करूँगा तो फिर सफल हो जाऊंगा होली जो आ रही है बल्कि अच्छा मैं जो पैदा हुआ था होली के दिन पैदा हुआ होली आ रही है और मैं सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम पानी इस्तेमाल करें होली खेलने में और ना करें तो बहुत ही बेहतर है लेट्स हैव अ ड्राई होली लेट्स नॉट वेस्ट वाटर लेट्स रियली वैल्यू वाटर यू आर डूइंग सो मच फॉर द कंट्री एंड द स्टेट यू नो And it was being questioned at that. How did you deal with it? I know. I mean, yeah. It's a wrong place to ask a question, but no. But I'll answer that. You see, what I feel is that I think a majority of the audience knows me, and they know me. My relationship with them is over 27 years. Yeah. So the people who questioned me, I think, are people who are already biased against me. So they will question no matter what I do. They will question. I don't react to that. Yeah. Because no matter who you are and no matter what you do in life, people raise questions on you. People doubt you. The important thing is that you should not be negative. The important thing is that you should be positive and you should be aware of what you're doing. And your conscience should be clear. And you should focus on your positivity and people's positivity towards you. Because negativity is a lot. एक्चुअली मैं उसको थोड़ा चेंज करूँगा ज़्यादातर लोग पॉजिटिव होते हैं लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं मैंने बहुत वर्ड इसलिए इसमें यूज़ किया क्योंकि वो चिल्लाते ज़्यादा तो हमको नेगेटिव चीज़ें सुनाई ज़्यादा देती हैं तो उसका वॉल्यूम बड़ा होता है लेकिन आमतौर पर अब आप इस कमरे में 100-200 लोग इस जगह पर 90% लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे 90 से ज़्यादा बल्कि 99% लोग पॉजिटिव जो नेगेटिव लोग हैं वो कम हैं लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हमको सुनाई देती है हमें तो लगता है तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा है सत्यमेव जयते का जो हमारा शो है वो इस वक्त हमारी जो पूरी टीम है सत्यमेव जयते की जैसे लैंसी है क्रिस्टोफर है मैं हम सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से जुड़े हुए हैं वाटर और वो है वाटर और महाराष्ट्र में जो वाटर की समस्या है उसको लेकर हम काम कर रहे हैं इस लिहाजा हम टी वी पे नहीं हमारा शो टी वी पे क्यों नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले एक साल से हम इस पर काम कर रहे हैं और इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त सत्या पुलिस की हमारी महाराष्ट्र के अलग अलग गांव में है और मैं भी अगले महीने जाने वाला हूँ वेल थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर गुड विशेस एंड योर बर्थडे विशेस आई रियली अप्रिशिएट दैट लॉट्स ऑफ लव थैंक यू ये